किस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको मसल फ्लेक्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप खुद कुछ चीजें ईजाद नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं है, तो काफी जरूर करनी चाहिए। मेरी मजबूरी बन गया है क्योंकि मैं देखता हूं कि बांग्लादेश किस तरीके से आगे जा रहा है, इंडिया किस तरीके से आगे जा रहा है। जिस तरह आपने पहले ओपनिंग में कहा कि मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं, जिस तरीके से वो और आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ आपके पाकिस्तानी अगर फॉरेन रिलेशनशिप या आपकी पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप सिर्फ डॉलर बेस है। जिन मुल्कों से डॉलर ना मिले, आप समझते हैं हमारे उसके साथ कोई बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप चाइना से पैसे मिल रहे हो तो आप कहते हैं कि हमारी हमालिया से चाइना से बड़ी दोस्ती है। अगर अमेरिका के साथ हैं तो फिर आप अफगान वार में उनको हद से ज्यादा आगे ले जाते हैं, आप अपनी हर चीज उनको, आप शमसी हवाई अड्डे देते हैं। लेकिन ये कि जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं है, जिनसे पैसे नहीं मिलते, आप समझते हैं हमारे, वो डोंट हैव एनी रिलेशनशिप। और इस स्पेस पे अगर देखें, दुबई दुबई की जब आप बात कर रहे थे, सिर्फ दुबई उसमें अकेला नहीं है। इस वक्त जो ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। ओआईसी में उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। कश्मीर पे आपने उनसे कहा इजलास करने के लिए, तो आप वो आपसे नाराज हो गए सारे। तो इन गिवन हालात में अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पे आपने इस्लामाबाद में जो मीटिंग की है, इट वॉज अ सऊदी इनिशिएटिव। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि उस पर मीटिंग की जाए अफगानिस्तान पे, लेकिन देखा जाए तो उसमें से रिजल्ट क्या निकला है? कोई पैसा उसमें नहीं आया। मैं समझता हूं कि बल्कि पाकिस्तान को आपने पाकिस्तान के सोर्सेज को मजीद जाया किया। आप अगर आपको पता था कि उनके माली हैसियत में आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो ये इजलास ही बाद में करना चाहिए था, लेकिन उसको पहले किया गया। इंडिया का देखें दूसरी तरफ से, वो किस भरपूर तरीके से आपको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंडिया में बुला लिए जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। हालांकि होना ये चाहिए था कि वहां पे वो नुमाइंदे भेजते और फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते, लेकिन वॉइस वर्षा हुआ और फिर उसके बाद मोदी साहब अब दुबई जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें कि किस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको मसल फ्लेक्ट कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि अगर आप खुद कुछ चीजें ईजाद नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं है, तो काफी जरूर करनी चाहिए। इस वक्त भी मैं हमेशा ये ख्वाहिश करता रहा हूं कि खान साहब को भी चाहिए बार फॉरन दौरों पे जाएं, हमारे फॉरन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि फॉरन पॉलिसी की एडवोकेसी करें, लेकिन सबसे पहले अपनी फॉरन पॉलिसी इस्टेब्लिश करें, एक अपना फैसला कर लें कि आपने अगर डेमोक्रेटिक समिट के अंदर रिफ्यूज करके आप चाइना के कैंप में गए हैं तो स्टिक करें उसके साथ। इस वक्त आपको पता है चाइना की आपके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है क्योंकि वो आपसे पैसे मांग रहे हैं मिलियंस के हिसाब से। आई बिलीव $76 मिलियन वो मांग रहे हैं, जो उनके 10 बंदे मरे थे, और आपका BRI इस वक्त जो वो मंसूबा है वो रुक चुका है बिल्कुल। आपको चाहिए इन चीजों पे काम करें, चाइना के कैंप में जाएं, उनको राजी करें और आगे बढ़े। ये बजाय कि IMF का पैसा, पहले जिस तरह आपने बताया कि इतने बड़े हम 22 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, अगर उन 22 प्रोजेक्ट में से हमने कुछ गेन नहीं किया, वो 22 प्रोजेक्ट्स के डॉलर जो है वो हमारे जनरल मैसेज तक नहीं पहुंच सके, तो आज कौन सी गारंटी है जो पैसे बाहर से आएंगे वो जनरल मैसेज के वेलफेयर पे जाएंगे? तो इसलिए ये पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स को चाहिए कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दें, और ये बाहर से प्राडो और जो आईफोन है इसकी इम्पोर्ट जो है इसको बंद करें कुछ अरसे के लिए। ये जो लले तलले हैं बहुत हो चुके हैं, अब प्लीज कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान को सीरियस होना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा, सीरियस होना पड़ेगा। और तारड़ साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अबू धाबी, और ये उनका पिछले 6 साल में 4था विजिट है, सो आप इमेजिन कर सके हर 1.5 साल बाद वो विजिट कर रहे हैं, जबकि तारड़ साहब इससे पहले 30 साल कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है 2015 से पीछे इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी कोई अबू धाबी जाता ही नहीं था। सो फॉर लॉन्ग हमने मुस्लिम वर्ल्ड को हाईजैक करके रखा अबाउट इंडिया एंड अबाउट कश्मीर। अभी की पोजीशन ये है कि वो इंडिया जो है वो अबू धाबी को और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, जो इंडिया वाली हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जबकि हम जो है वो जाते हैं वहां पे कि साढ़े वीजे बंद कर छे, साढ़े वीजे खोलो। सो देर इज डिफरेंस। सो हमें क्या करना होगा कि हमें जो मिडल ईस्टर्न जो हमारे भाई हैं, देखें आज भी मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान की बड़ी मदद करते हैं, गो के हमारी कमजोरियां, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं जब हम उन्हें कहते हैं, हमारी साथ देते हैं, पर ये कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे? अभी तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तारड़ साहब कह दिया है कि जो मांगने वाले होते हैं उनको कोई नहीं देता। सो हमें
ये अपनी ओरिएंटेशन कैसे बदलनी होगी कि हमने जो मुस्लिम ममालिक को रोक के रखा, आज वो मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के साथ चले गए, बल्कि कश्मीर में तो दुबई की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो हमें इस ये जो फ्रेमवर्क है कि हमें जो मुस्लिम ममालिक हैं कि हम वहां पे जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वीजे दे दें, और वो जाके एक्सटेंडेड नेबरहुड और जो 3.3 मिलियन इंडियन डियास्पोरा इस वक्त अबू धाबी में है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा अबू धाबी को दोबारा रीइंगेज करने के लिए? ये सिर्फ अबू धाबी वाली बात नहीं है चीमा साहब, पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और डॉलर बेस्ड या फाइनेंशियल बेसिस से हटके फॉरेन पॉलिसी बनाना होगी। उसकी वजह ये है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया अभी, कि हमारी टोटल फॉरेन पॉलिसी इस वक्त खैरात पे चल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये जो पैसा देता है, हम कहते हैं जी हमारे इनके साथ बहुत पुराने रिलेशनशिप है, सऊदी अरेबिया आपसे पैसे वापस मांग ले तो आप उनके खिलाफ हैं, अगर सऊदी अरेबिया आपको उसमें से पैसे कुछ दे दे तो आप कहते हैं जी हमारे ये फरमा रवा हैं, ये हरमैन शरीफैन हैं, हमारे सदियों से हमेशा रेस्क्यू करते रहे हैं। तो ये खुदा रहा, ये इन चीजों से निकलें और अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है किसी ऐसे मुल्क में भी जाने की कोशिश करें जहां आप पैसे मांगने ना जाए, तो ये तब आपकी फॉरेन पॉलिसी। देन मैंने जिस तरह आपको अर्ज की ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडरशिप होनी चाहिए जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में मौजूद हों। कब आज तक देखे, मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह ठीक होगी? जो भी आपके पुराने, आप सबसे पहले तो आप लंदन, आप पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट लंदन से बैठ के हो रहा है, आपके सारे लीडर जाते हैं अपनी हुकूमत करने के बाद वापस अपनी प्रॉपर्टीज बिजनेस वहां मैनेज करते हैं, या लूट के लिए वापस आते हैं फिर चले जाते हैं, ये हर पाकिस्तानी को पता है, आपके खान साहब को भी पता है जिन्होंने बड़े प्यार के साथ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जहाज में बिठा के। तो देखें ये आप अभी तक तो आप ऑपरेट हो रहे हैं लंदन से, जब आप लंदन से ऑपरेट होना बंद करेंगे तो तब आपके आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अभी तक आपके जितने पुराने आपके रिटायर्ड लोग हैं, जितने पुराने आपके सियासतदान हैं, वो तो सारे बाहर बैठे हैं और ये हर पाकिस्तानी को पता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें जब तक आपके लोग लोकल बजट नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को लोकल स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, आप जब तक लोकल हॉस्पिटल्स में आपके जो रूलिंग एलीट है वो लोकल हॉस्पिटल्स में से इलाज नहीं कराएगी, तब तक आपके फैसले जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही होते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम पिसती रहेगी। अभी तक तो मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में बताया था कि एक MNA आपके वुजरा के तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, खैर, लेकिन आपके एक MNA साहब जो जिनके सर में दर्द हुई है तो फ्रांस में जाकर डॉक्टर से मिलने चले गए। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई नया सीक्रेट नहीं है, ये सारे मीडिया पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, सारे पूरे पाकिस्तान को ये सोच के फैसला करना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्शंस क्या हैं। अब इससे आगे मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो आप बहुत खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्पीच में एडमिट किया है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त खतरे में है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो मैं समझता हूँ इससे आगे आप कहाँ जाएंगे, जब आप कौमी सलामती जो है वो खतरे में हो आपके फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो इसके बाद अब आपके पास गलती की गुंजाइश तो मौजूद नहीं है। आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से फॉरेन रिलेशनशिप आप किस तरह बनाते हैं। फॉरेन रिलेशनशिप में खासकर मैं समझता हूं कि हमारा अब पाकिस्तानी डायस्पोरा को एक कई रोल अदा करना चाहिए, लेकिन जब तक आपके डिप्लोमेटिक मिशन एनर्जाइज नहीं होंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएगी, पाकिस्तानी डायस्पोरा उस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उनको नजर आता है कि आप खुद पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में सीरियस नहीं है। तो अगर आप खुद सीरियस नहीं है तो डायस्पोरा क्यों करेगा आपके साथ? लेकिन डायस्पोरा कैन प्ले अ मेजर रोल। आप अमेरिका की मिसाल देखें, इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ी ताकत है उनकी, और आज से नहीं है, बल्कि मुझे एक दफा यहाँ पे हमारे एम्बेसडर साहब थे जिलानी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान को F-16 इस वजह से नहीं दिए जा रहे क्योंकि इंडियन डायस्पोरा अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को लेटर लिखता है, और हम उनसे कितना पीछे, हम अपना डायस्पोरा हमारा